उनको ये चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें दे दी, बच्चे खेलेंगे, बच्चे गंदी चीज़ों से दूर भागेंगे। तो छोटी ने हमारे लिए चाय बनाई है ना, चाय बनाई, पकड़ 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 पकड़ा। और क्या हाल है सुकड़ा राजी, ट्रैवल लगेगा। और क्या हाल है, मैं ये बोल रहा था कि सदाम भाई के बारे में बताता हूँ। सदाम भाई ने ना आर्मी की ट्रेनिंग ली है एंड सोनमर्ग वगैरह में, एंड फुल जो स्पाई होता है ना वो ही ट्रेनिंग ली है। और तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम होटल से निकल चुके हैं, ये हमारा होटल था रात को, ये अपनी टीम है, अभी बाकी टीम सोई हुई है क्योंकि बाकी टीम को अभी कहते हैं नींद बहुत है, सोई हुई है। बाकी हम अभी निकल रहे हैं अपने लेह लद्दाख के लिए, अभी पहले देखेंगे अगर रास्ता उन्होंने पुलिस वालों ने छोड़ा तो सीधा जाके ब्रेक मारेंगे हम द्रास, ठीक है, द्रास से आके देखते हैं अगर रास्ता कहाँ निकलता है, कहाँ जाना है, क्योंकि अभी बाकी टीम तो आएंगी नहीं, लेट आएंगे वो, तो अभी द्रास के लिए निकलते हैं पहले। तो देखो यार पहले डायमंड कोहिनूर। तो ब्लॉग हमने यहीं से स्टार्ट कर दिए अपने होटल से ही निकलते निकलते, टीम हमारी दिख रही होगी आपको। बाकी हमारा चांद नवाब अभी सोया है, जैसे चांद नवाब उठेगा वो भी हमारे पीछे पीछे आएगा, फॉलो करेगा हमें। कौन चांद नवाज, जोर से बोलो, चांद नवाब, चांद नवाज, नवाजी नवाब, नवाब, हाँ चार नवाब। तो अभी निकल रहे हैं हम, हमारी इसुजू ट्रक वहाँ पे पार्क की हुई है और ये होटल का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वो है और सेकंड ये वो दरिया के पास है और ये फ्रंट पे ये जहाँ पे पार्किंग है। खतरनाक गाड़ी है बंदे ने लाई हुई, अल्ट्री मेड फुल एसी गाड़ी हरियाणा से आई हुई है और तगड़ा है, फोर्स का कोई ये भी ट्रैवलर है। तो ये फिर ओ भाई खतरनाक, देखा बर्फ, अभी दो का मोड़ यहाँ पे है, कोई टेंशन नहीं है हमें, लाइटें सब सही है क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइट भी टेंशन थी, लाइटें लोग खोल लेते हैं। और एक चीज़ बताऊँ, इस बाइक पे लाइट ब्लिंक करती रहती है, जैसे गाड़ी में लाइट ब्लिंक करती है इस बाइक पे भी लाइट ब्लिंक करती है, इसका मतलब हैवी मशीन है तभी लाइट ब्लिंक करती है। और ये यहाँ पर रहेगी अभी, बाकी देखो ये फोटोग्राफी यार, सुबह सुबह फोटोग्राफी करने लग गया बंदा भाई, ये क्या तरीका है यार, ये तो क्या गलत चीज़ है भाई, जल्दी आओ। तो ये हमारा कैंप होता था भाई, कैंप की ये तारे वारे जो गई है इन्हें बाउंड्री, और यहाँ पे हम ड्यूटी देते थे और जिसको जिसने और मैंने एक बंदे ने ड्यूटी दी है तारिक ने उसको पता है। और यहाँ पे हमने एक बार बालू देखा, बहुत बड़ा बालू यहाँ पे, बिल्कुल इतना बड़ा बालू के खतरनाक वाला यार। तो ये मार्केट है भाई, ये मार्केट का रास्ता है, सब लोग सोए हुए कुछ भी नहीं जाग रहे अभी क्योंकि लोग थक जाते हैं, काफ़ी दूर से आना पड़ता है और लोग थक जाते हैं, अभी कुछ सामान पैक कर रहे हैं, कुछ सोए हुए हैं, कुछ गाड़ी को जोर लगा के दिक्कत मार के स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ गाड़ी कुछ कर रहे हैं, सब कुछ लगेंगे कुछ ना कुछ बंदे अपने यार। तो भाई हम जुजीला टॉप पे पहुंचने वाले हैं, नीचे बेस कैंप है जो मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था और ऊपर अभी हम जाने वाले हैं जुजीला पास पे। और ये जैकेट मैंने इसलिए सेफ्टी के से पहना है क्योंकि रिफ्लेक्टर है और मुझे इसमें मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, तभी इसमें पहना है क्योंकि अपनी टीम कह रही है कि भैया आप स्मार्ट लग रहे हो, इसलिए मैंने कहा यार पहन लेते हैं क्यों। तो अभी आपको दिखाएंगे हम बेस कैंप नीचे यहाँ से कि नीचे कैसा दिखता है। तो हम गुमरी से पीछे 13 किलोमीटर बाल
बेस कुछ है नहीं सिस्टम में, तो पता ही नहीं है। बट जिनको पता यार रोड थोड़ा सेफ्टी से चलो, सिक्योर होकर चलो। और यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं कि जब भी आज से जब 90s का टाइम था, ट्रक लेके आते थे ना जब हमारे ड्राइवर भाई ट्रक वाले, तो जब ट्रक ख़राब होती थी तो ट्रक वो यहीं छोड़ देते थे कई कई महीने कई कई साल के मिस्त्री नहीं आते थे। किसके भरोसे पे? अल्लाह के भरोसे। हाँ हाँ, जो जिला में ट्रैफिक लगना आम बात है। और आज ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि हमारे गुजर बकरवाल भाई जा रहे हैं अपना मवेशी लेके, तो इसलिए ट्रैफिक लगना आम बात है। अब मुझे लगता है ये सीधा निकल के यहाँ से जंस्कार चलते यार, इनकी लाइफ चलते चलते निकल जाती है और सबसे अच्छी लाइफ यही है। हम यहाँ पहुँच चुके हैं जो जिला पास के टॉप है घुमरी, और यहाँ पर हम थोड़ा कुछ खाएँगे पियेंगे। अच्छा, यहाँ पर स्कीइंग वगैरह सब कुछ करवाते हैं। अभी इतनी बर्फ़ नहीं है बट चलो इनका रोज़गार चल रहा है, ये सारा स्कीइंग का सिस्टम रखा हुआ उन्होंने, इस पहाड़ पे पूरे स्कीइंग है। तो अभी हम निकलेंगे ऊपर, अगर चाय आमलेट मिल गया चाय आमलेट खा के, और उसके बाद हम जाएंगे सीधा टॉप पे, देखते हैं क्या होता है आगे। ठंड है पर मुझे ठंड लग नहीं रही है, पर लोगों को ठंड लग रही है। समीर ने सबने जैकेट पहना है अपने, चांद नौ बारी जैकेट पहना है, पूरी टीम ने जैकेट पहना है, बट मैंने कोई जैकेट पहना कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही हूँ फ्री में। और जब धूप पड़ी तो मेरे चश्मा पहनना ज़रूरी हो गया, इसलिए चश्मा पहना हुआ है, वरना आप लोग सोचेंगे सुबह सुबह चश्मा क्यों पहने। पर अपना ट्रक देख लो, अभी का ब्रेकफास्ट ऑमलेट ब्रेड, फुल डाइट कॉन्शियस। जब भी आप आओ ऑमलेट खाओ, ऑमलेट से ये होता है कि आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहेगी, और अंडा सेहत के लिए अच्छा है। बॉयल एग खाओ या ऑमलेट खाओ, ब्रेड के साथ खाओ, सॉस मत खाओ, केचप बिल्कुल ही खाना, केचप बुरी चीज़ है, सेहत के लिए हानिकारक है। अभी आप ये खा सकते हो अंडा ऑमलेट, देख लो कितना टेस्टी है, बहुत ज़्यादा बनाया है। ये हम आ गए चांद बाज़ार, इसका नाम है ज़ीरो भी, पर हम इसको हम चांद बाज़ार बोलेंगे आज के बाद। क्या बोलेंगे? चांद बाज़ार जिंदाबाद, चांद बाज़ार जिंदाबाद, चांद बाज़ार जिंदाबाद। तो सारे इसको हम चांद बाज़ार बोलेंगे आज के बाद। पर अभी कुछ हमारे भाई मैगी खा रहे हैं, उनको मना किया मैंने, मैगी मत खाओ, कहता नहीं भैया मैगी खानी, मैं ऑमलेट खाओ, कहता नहीं भैया ऑमलेट नहीं खाना। और ये भाई भाई मैगी खा रहे हैं। यार पीछे एक बंदा आ रहा है, तुझे कसम लगे तो उसको बोलेगा चांद निराल, ठीक है? अगर तू मेरे दोस्त को बोलेगा ना चांद, आप चांद नवाबो, क्या बोलो, क्या बोलोगे? आप चांद नवाबो उसको बोलना, ठीक है? हाँ ठीक है। चांद बाज़ार में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, अब चांद बाज़ार से निकलेंगे। यहाँ पे ज़ीरो इन यार रोड, इसका ज़ीरो मार्केट है, ये भी ज़ीरो ब्रिज पे, ज़ीरो इन पे आगे आगे टॉप पे, ज़ीरो पॉइंट पे, ज़ीरो पॉइंट मार्केट का नाम मैंने चेंज कर दिया है, मैंने नाम डाल दिया है चांद बाज़ार मार्केट, क्योंकि चांद हमारा भाई है। तो आप चांद बाज़ार के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ आएँ और सबसे पहले ये चीज़ आप यहाँ पे आकर ट्राई करें। ये चांद बाज़ार का मशहूर है, मशहूर कहवा है। अच्छा, और ये बहुत टेस्टी है, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको ये नाम कैसा लगा मेरा चांद बाज़ार? ये नाम तो हम जम्मू से सुनते आ रहे हैं, और ये बाज़ार अच्छा है चांद बाज़ार के नाम से? बहुत बढ़िया है। पोस्टर्स बनाते हैं जी, क्या बोलते हो? पोस्टर्स बना के लगाते हैं पूरे, फेमस कर देते हैं चांद बाज़ार। तेरी वीडियो दिखाऊंगा ना उसको भी? नहीं, मैं डालूंगा ही नहीं है। तो भाई जिस टनल में मैं कल घुसा था, जिस टनल में मैं अंदर तक गया था, काफ़ी अंदर 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आई थिंक गया था, तो उस वो टनल यहाँ निकलेगा, देख रहे हो, जो ज़िला पास करके पूरा घूमने के आसपास निकलेगा ये टनल, ये यहाँ निकल रहा है। अभी इन्होंने स्टार्टअप नहीं किया, मशीनें बिछा दी है, चाल अपना पूरा बिछा दिया है, पर अभी यहाँ निकला नहीं है। बट यार पहली बार मैंने वो टनल चीज़ देखी कुछ ऐसी, और पहला मेरा व्लॉग ही होगा जिसने ये टनल देखा है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, हर चीज़ करो, इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा, आगे कुछ नया कुछ होगा तो वो भी दिखाऊंगा। और जो हमारे सरकार है उनमें एक हमारे मिनिस्टर साहब है, मंत्री साहब है नितिन गडकरी साहब, जो रोड मंत्री है, उनने जितना उस बंदे ने काम किया ना, इतना इस सरकार में किसी ने काम नहीं किया नितिन गडकरी साहब ने। हर जगह रोड, हर जगह सड़कें, या सड़कों की मेन प्रॉब्लम होती थी, हर जगह बना दी है भाई। बाकी सबको भी ऐसा ही करना चाहिए सरकार में रह के, जितना नितिन साहब ने किया है, तो नितिन साहब को भी अगर हम सलूट दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यो माल, माल किसको है? तो कितने आप बोलेंगे? मटन चले हो? और ठीक है, क्या नाम है? प्याज। प्याज नमी गुजरा रे जमुर तू? अच्छा, खुट आयो है मेरी चांद, मेरा टुकड़ू। और वहाँ से जो टनल निकलेगी, जो सेकंड पार्ट उसका यही निकलेगा, सेकंड पार्ट यहाँ पे निकलेगा, और सेकंड पार्ट भी बहुत बड़ा निकलेगा टनल। ये टनल में अब नेक्स्ट टाइम मैं सारे देखूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि अब रात को ब्लास्टिंग होनी थी, तो ब्लास्टिंग के चक्कर में मैं नहीं जा सका। भाई बाल खींचू रहे, मंत्री जी का चल रहा है,
मैं इसको फटो करूंगा, मनेगी सारी गल मनेगी। क्या ना है तेरो, क्या ना है ना दस मोरिस को बाबला क्या ना है मोरिस तो छोटी ने हमारे लिए चाय बनाई है ना, चाय बनाई, चाय बनाई इसने हमारे लिए, चाय बनाई। क्या ना है आरिफा, आरिफा, आरिफा गुजर, ओए मारती मुझे। तेरा कितना दस है, कितना दस है? नुसरत, मसरत, अस्सलाम वालेकुम, तुम ठीक है? भले ई जोर मार, जोर न मार, जोर अभी हम पियेंगे चाय, इसने हमारे लिए गुजर पाइए ने हमारे लिए बस चाय बनाई है, तो अभी चाय पियेंगे। कोली पड़ान निकल कर आ रहा तो ऊपर पड़ा दे तो को सब पियो, कड़ी मेरे तो सब पियो। जम्मू में गर्मी सब बड़ा है ना, सब पहना ऊपर कीड़ा कदम जिले बदल बरो शैल दे फिर वह चढ़ी लग जानी ना, फिर कोठी चोनी थले पतीला रखना, पतीला चुप चुप के है ना। हाँ तो बड़ा अच्छा सिस्टम, उस लोग बैठा था एक दूसरे घर जावे, हाँ आज को नहीं जाता, आज जो फोन ले लो ना जे बैठा है तो फोन चलावे सारा बैठ गए, गल कोई नहीं करते, थारा को बड़ा बंदा लंघा है कोई नहीं गल करेगा है ना। बहुत शुक्रिया, मैं बीतो ही नहीं हो वो चीज़ नहीं रही, मैं गुजर नहीं रहा, मैं पाई नहीं रहा अपना। हाँ ये एक दोनों पहचान है, मारे रहे ना जिले सर्दी है ना, मारे बड़ा बकरवाल रहे है। लोग दादो के हम सुखी रुखी जड़ी भी पाए, सुखी रुटे ना पाए चटनी कुटी हुएगी खाओ। नहीं चाय टेस्ट कर, क्या बात कर रहे हैं, चाय टेस्ट कर, कुल्चा क्या हो गया मैंने सारा यही समझा है, कुछ से कोई कश्मीरी आया, कुछ से कोई दिल्ली आया, कोई किधर आया, अपनी अपनी जी लैंग्वेज है भाषा है वाकई नहीं भूलनी चाहिए। गुजर गुजर हम ठीक है ना, भी बुजुर्ग आया उन्होंने मिलेंगे, इतना की लगे अच्छा हम दो भरा है, अच्छा अच्छा तेरा वाली साहब है, इन्हें मिलेंगे पहले फिर इंशाल्लाह। वालेकुम वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक है? अच्छा हम राजी है, और क्या हाल है वाला, सकड़ा राजी हां सब, और क्या हाल है, और तुम ठीक है? ठीक है राजी है, बैठो बैठो दस नहीं और तुम नहीं 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 बाद में बैठो, बुजुर्ग है कि नहीं और बुजुर्ग हूं मैं, बैठ रही हूं ना पहले थम, हम बाद में बैठो बैठो बाद में नहीं ना, तुम मत बैठो बैठो जे मैं बनाया होता ना फिर नहीं, ये मेरा अपने जरी मेरी था अपना मेरी, बाल है अपना है सिर का, हां ठीक है ये रखियो, ये पहले पहले बड़ा लंबा था ना यार, नबी की सुन्नत है ना, दादी मेरी है ना, हां दादी मेरी, उसका बाल भी एक इस तरह का ही है, मेरा बड़ा भाई उस तरह का है, सही लोग भी रखा है, हां सही जड़ा है ना ये, हां ये तो इधर कहता है ना, बाल मुसलमान बाजी है ना, वो जड़ बाल खोले तेला की तार है, हां देखो तुम्हारी अगर ना कंगी संगी सोनो बाल कंगी से बचती नहीं ना, इस साइड ना अब जानी चाहिए नहीं गुजर है खटानो है, सही दो है आवे मुंडे एक और मेरे नाल, बाकी हम जावा इतो माड़ी नजर पे अपना
बाकी बाबा साहब का मुरीद जित भी है मिल जावे कभी मैं हमने ड्रोन शॉट लिए काफ़ी ज़्यादा और हमारी छोटी गुड़िया आरिफा डर रही थी ये काफ़ी ज़्यादा मुझे मारा इससे तुमने मुझे मारा ना तेमें मारे हो ना ये लाऊं लाऊं तेरे पीछे दसू ठहर जा फिर आरिफा पकड़ आरिफा ओ टोका साहब अभी मैं उस टाइम पे स्पाई बॉस कैप्टन। तो भाई अभी हम आ चुके हैं काफी ज्यादा ऊपर एक पहाड़ पे और यहाँ पे सिर्फ माल मवेशी हमारे गुजर भाइयों के जिनके साथ मैं बैठा था अभी चाय लस्सी रोटी सब खाया उनका वो माल है नीचे से कुछ वो जा रहे हैं माल लेके कुछ ये और उनके ये कुल्ले हैं यहाँ पे ये रहते हैं ये पुराने टाइम के जो होते थे लोग वही ये कुल्ले बनाते थे और ये लकड़ी है और ये बालन बोलते हैं इसको इन्हों क्या क्या बालन ये बालन रखे हो ना ये बालन है यहाँ पे आग जलाते हैं अगर आग के बिना तो ये जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है ये सारे लकड़ी है और ये इनका कुल्ली है दिखाऊं अंदर दसूं ये कुल्ली और ये खोली इसलिए है कि धूप लगने के लिए बिस्तर क्योंकि ठंड है तो बिस्तर रात को कभी ओस से गीला है ना कभी गीला हुआ ना उस नाल तो गीला हुआ है गीला होने की वजह से ये धूप लगा के रखी है मसरत क्या है ये यो की है नहीं हमारी गुजरी भाषा में क्या कह सुनो कुल्ली क्या है ना तंबू ये तंबू है आरिफा मीना सुनाने लगी है ये तंबू है और तंबू में रहते हैं और अब पीछे जाएंगे आरिफा इधर आ कुत्ता को खोलो बटन है मीनू आना इधर यार अब आरिफा मुझे लेके चलेगी दूसरे तंबू में वहाँ पे बकर वाली ये मसरत लेके चलेगी हमें कुल्ले में देखा अभी अगर मसरत हमारे साथ नहीं होती हमें काटा था ना है ना मसरत अगर तम नहीं होती तो मैंने बटन उस खास होना तो है ना और अगर मसरत नहीं होती तो हमें एक काट के थे मसरत लगा इसमें थे किसी लगे क्या लगे देख रहे मसरत की टायर टोर देखी मसरत बड़ी अच्छी लग रही ना अरे दे दे तो ये दो कुत्ता रखे हैं बकरी वाली तो इन कुत्ता वास्ते भी शेड है बकरी कुत्ता अंदर रहे इकट्ठा ना और कुत्ता सिक्योरिटी पूरी करे ना बकरियों की पूरी रखवाली करे ना ठीक है आरिफा आ जा आरिफा ने हमें इंट्री का सीन होगा तो अभी एंट्री करवाते हैं अपनी तो फिर निकलते हैं सीधा करगिल
करगिल डिस्ट्रिक्ट में घुस गए हैं और करगिल डिस्ट्रिक्ट में घुसते ही अपने भाई दिखे मुझे लद्दाखी भाई, और ये लद्दाखी भाई बड़े कूल बंदे हैं, करगिल भाई बड़े कूल बंदे हैं, और बड़ी बात है यहाँ पे खोते भी दिखे हमें जो कहीं नहीं दिखे, यहाँ पे खोते दिखे डंकू। तो हमारे पीछे टोका गैंग भी आ रही है, और टोका गैंग पता नहीं कहाँ पहुँची अभी। टोका एक ही बंदा है, वो पूरी गैंग को बोलता है एक ही गैंग, टोका गैंग उसका नाम टोका है, और हम उसको प्यार से बोलते हैं चांद नवाब। और उसके नाम पे अपने यहाँ पे मार्केट भी बना दी है, अपनी यहाँ पे मार्केट है, उसका नाम हमें चाहिए कहते टोका मार्केट, और सॉरी चांद नवाब मार्केट डाल दिया है। तो आप जब भी आओ यहाँ पे, अगर मेरा नाम लोगे सदाम दामा करके, तो वो आपको जब उनको लगेगा नहीं सदाम दामा के बंदे हैं, तो जब फिर आपको हर चीज़ पे 20% ऑफ मिलेगा। और अगर आप चांद मार्केट पहुँच गए फिर तो आपकी खुशी खुशी हैं, इसलिए चांद मार्केट जरूर आना, वरना मैं नाराज हो जाऊँगा। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं करगिल, अभी हम डिस्ट्रिक्ट इंटर किया था वो बॉर्डर था, और ये करगिल का मुझे लगता है पहला गांव है। तो अभी हम इस गांव में घुसेंगे, गांव छोटा सा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटी की मैं हमेशा तारीफ़ करता आया हूँ, हमेशा करूँगा, करता रहूँगा, और साफ़ चीज़ों की तो मैं करता ही करता हूँ, और आपको दिखाते हैं गांव। कोई मजदूर नहीं है, कोई लेबर नहीं है, ये लोग खुद से सफाई कर रहे हैं, अपने जगह को सफाई रखो, यही मेरा आपको ज्ञान है, सफाई बहुत ज़रूरी है। कागज़ मत बाहर फेंको, और विलेज मतियान इसका नाम है, और ढाबा भी है, ढाबा मैगी ऑमलेट। तभी आप लेखा जा ले, ले, ले जाओगे नहीं करगिल तक साथ में चले, यार आपकी मर्जी है, देख लो खचला हो जाओ, ठीक है चलते हैं फिर, ठीक है। तो बाकी ख्याल रखो अपना, ये अपने दो भाई में मिल के रास्ते में ये हमारा वेट कर रहे थे, कितने बजे से? सुबह मॉर्निंग 6 बजे से वेट कर रहे हैं। चलो यार देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस ये रहे अपने सदाम भाई, ठीक है तो अभी चलते हैं उनके साथ। यार कुछ लोग हमारे भाई हमारा वेट कर रहे थे, अब वो कहते हैं हम साथ चलेंगे, पर साथ जाने का मन नहीं है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हम। देखो ना खोतो ऐसा मोटरसाइकिल लिया हुआ, ड्रू ड्रू ड्रू, गलत चीजें। रिवर का फर्स्ट ब्रिज है, और मैं आपको दिखाता हूँ रियो का फर्स्ट बीच, और टोयोटा हाइलक्स भी आ रही है सामने से, एक ऐसा लग रहा है दूर से, बट हाइलक्स लेने का पूरा मन है, दिखते हैं कितने क्या होता है। तो भाई मेरे अगर 100 के सब्सक्राइबर हो गए तो गाड़ी भी चेंज करूँगा, बाइक भी लूँगा, हर चीज़ चेंज करूँगा भाई, तो जल्दी जल्दी 100 के करवाओ। और हाइलक्स बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है, अकेला बंदा भाई, वो भी एजर बंदा है, हाइलक्स के घूम रहा है। ट्रैवल करो, ट्रैवल लाइफ सबसे अच्छी लाइफ है, और टेंशन वाली ज़िंदगी मत जियो, सब चीज़ों से बाहर निकलो, नशे मत करो, खाना अच्छा रखो, और सेहत बनाओ। सेहत जरूरी नहीं है तुम्हें जिम जाओ, तुम्हें फीस भरनी है भाई, तुम सेहत घर में बना सकते हो, पुशअप चिनअप यही करना है, सिटअप करनी है, और तुम आपको पानी की बाल्टी तुम उससे डंबल बना सकते हो अपना भाई, उसे उठा लो, ये सब करो और सेहत बनाओ, सेहत बहुत ज़रूरी है, वरना डॉक्टर के पास जा जाके हज़ारों रुपये खर्च करके तब भी ठीक नहीं हो जाओगे, इसलिए स्टैमिना अपना रखो, कंटिन्यू सेहत बनाओ, बॉडी बनाओ। पहाड़ देखो यार, इस पहाड़ की जो खूबसूरती है, मतलब 1 2 3 4 इसमें चार, मतलब चार वो है, क्या कहते हैं इसे, कॉर्नर है, और वो कॉर्नर यही नहीं है कि 2 फुट 10 फुट 20 फुट, 100 फुट के कॉर्नर है, मतलब कुएं जैसे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, और इस कार पहाड़ से जो मतलब रेत मिट्टी जो आ रही है वो आपको दिख रही होगी गोप्रो में, मतलब खास खूबसूरती। तो यार ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इसलिए जब भी कोई यहाँ आए गाड़ियाँ तेज़ मत चलाओ, ऐसे रेस मत लगाओ, भागो मत, चीज़ें एक्सप्लोर करो भाई, अब तुम आए हो दोबारा तुम नहीं आओगे यहाँ पे। फिर से अपने ट्रक में बैठते हुए, और मोनिस पूरे जोश शोश में, मोनिस अपनी वीडियोग्राफी कर रहा है भाई, इसको बड़ा शौक है वीडियोग्राफी का, और वो अपने भाई हैं भाई। अभी हम सोच रहे थे कहीं दुकान मिले बिस्लरी का, पानी का क्रेट उठाएँ, पानी का क्रेट उठाएँ, तो यहाँ पर हमें पानी मिल गया है, और यहाँ पर हमारे छोटे भाई हैं, उनसे बात करेंगे पानी कहाँ से आ रहा है। तो यार सारू ये पानी कहाँ से आ रहा है भाई? ये पानी आया कर रहा है, बर्फ को पानी, बड़ो साफ पानी हो, ठंडो गर्म पानी, ये भी गोजरी बादशाह कर रहा है मेरे साथ। ये पानी कितना आया हुआ भाई? वो नकीला है ना, वो उतु आया कर रहा है, ये पानी बर्फ का पानी, मतलब बड़ो अच्छो पानी है, मीठो मीठो पानी। अच्छा पार रहे, बोतल पे पिया, थोड़ी थोड़ी कोट कोट लावा, ये यो पियो भाई, पानी चेक कराना रे, बड़ो अच्छो पानी भयो। अरे लोग में पैसा खर्चा है, लोग पैसा क्रेट चुकांगा, तम जिन्ना भी मारा भाई आवे, जड़ा भी आवे भाई, गुजर आवे भाई, दुई आवे, तो जड़ो मर्जी आवे, इत आके पानी पियो, पैसा का ना खर्च हो तो, ठीक है।
और पैसा पानी ले आ जाए। हाँ एक तो पड़े लोग बेचे हैं, हम तो क्यों नहीं पड़ा, हम चला आगे फिर आ जा रहे ने क्या। तो भाई गोजरी भाषा में अब मैं ज़्यादा बातें करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भाई गोजरी व्लॉग अपनाओ गोजरी व्लॉग, तो मैं गोजरी भाषा ज़्यादा यूज़ करूँगा। तो पानी बहुत अच्छा था यार, बहुत ज़्यादा। तो भाई ये वही जगह है यहाँ पे बालू कोई जंगली जानवर आ सकता है और यहाँ पे ड्राइव केयरफुली, और रात को चलना बहुत रिस्क है, दिन को भी आ सकता है पर अगर गाड़ी गुड़िया चल रही है तो दिन को कम आएगा, कम आएंगे ये बालू शालू कम आएंगे बिल्कुल। और एक चीज़ बता दूँ, जब तक ये गुज्जर बकरवाल यहाँ रहेंगे ना तब तक बालू भी निपटकेगा, और ये गुज्जर बकरवाल एक डंडा मारेगा बालू डांस करेगा, बालू नाचेगा उनके इशारे पे, इतने खतरनाक है गुज्जर बकरवाल भाई, बालू को नचा देंगे ऐसे ऐसे मुचरा कराएंगे उससे। ये देख लो। तो भाई अभी द्रास पहुंच चुके हैं और द्रास क्रिकेट टीम से मिलेंगे। क्रिकेट कैसा चल रहा है भाई, क्रिकेट तगड़ा स्टेडियम बना दिया बंदों ने और क्रिकेट चल रही है। अभी देखते हैं क्रिकेट कैसा चल रहा है इनका, कैसे मैच चल रहे हैं। मैं इनके सिर्फ जाके मैच देखना चाहता हूं, इनकी टीम से मिलना चाहता हूं और टीम के साथ फोटोशूट हो जाए। गाड़ियाँ लगाते हैं ना। तो भाई यहाँ पे इनकी क्रिकेट टीम का मैच स्टार्ट हो गया है। तो भाई यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट की है हमारे भाई, यहाँ पे टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। भाई कौन सी टीम क्या है क्या ये थोड़ा बताओगे, थोड़ा बताओगे मुझे। सीएससी और दूसरी है सीएससी चैंप्स और 11 सुपर 11 सुपर स्टार द्रास का है जी, दोनों टीम द्रास का है। तो भाई द्रास टीम के जो बच्चे हैं ये चीजें कर रहे हैं, ये चीजें सबसे अच्छी है, नशे से दूर, हर चीज गंदी आदतों से दूर, नशा चोरी डाकू से दूर, और बच्चे बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। और देखो ये जनाब हमारे ये इनके कोच है, कोच हो आप? अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है कि भैया आ सर ऑर्गेनाइज किया है और बच्चे इतने खुश हैं, बच्चे तो कितने क्यूट है, सब बच्चे क्यूट। क्या नाम है? तनवीर। तनवीर आपका? मुजीब। इन सबकी टीम है मुजीब तनवीर, सारे खेल रहे हैं भाई। हर बंदे को ये चीज़ें करनी चाहिए, हर बंदा जो इनके बड़े बड़े इनके जो भी इनके हैं कॉर्पोरेटर जो भी इनके लेता है फिजिकल के लिए, देखो कितना सही है। छोटा है मेरे से, अभी छोटा बच्चा है पर क्रिकेट खेल रहा है, गंदी चीज़ से दूर है, ये पूरी सेफ्टी है, हर चीज़ पैड वैड लगा के रखे हैं, हेलमेट लगा के रखे। और यार जो भी हमारे बड़े नेता है ना उनको ये चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें दे, बच्चे खेलेंगे बच्चे गंदी चीज़ों से दूर भागेंगे। और ये देखो कितना क्यूट है, ये देखो इसकी स्माइल माशाल्लाह। तो यही चीज़ें करो अच्छे रहेंगे, बच्चे सेहत बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हमारा भविष्य है। बाकी खुश रहो यार, ख्याल रखो अपना, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई। तो भाई अभी हम दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं द्रास मार्केट। यार मेरे सामने की बात है, द्रास बहुत छोटी सी मार्केट थी, आज इतनी तरक्की कर ली, लोगों ने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है कि द्रास मार्केट बहुत बड़ी है। और ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है द्रास का, द्रास गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। और वो चाचा बैठे हैं हमारे, जैसे हमारे जम्मू बैठते हैं लोग बुजुर्ग, वैसे यहाँ ही बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हो द्रास, द्रास एक बहुत ही खूबसूरत जगह, मतलब मुझे अगर कुछ चीज़ पसंद है इस रास्ते में तो वो द्रास है। आई डोंट नो पता नहीं क्यों पसंद है पर पसंद यही है मुझे, मीनो द्रास बड़ी सोनी लगे जगह, शहर लगे। हूँ चलेंगे आगे, हम उस रोड से रस्ते तो निकलेंगे तो आगे करगिल में रुकेंगे रात को, तो करगिल जाके देखेंगे क्या हुआ है। तो फौजी जवान हमारे यहाँ भी आ गए, हर जगह मिलेंगे आपको। और द्रास में कॉलेज भी बन गया, डिग्री कॉलेज स्कूल बन गया, पहले यहाँ था ही नहीं तो अभी ये बन चुके हैं। और द्रास बहुत ही छोटी टाउन है, देख लिया। अभी हम निकलते हैं सीधा करगिल के लिए क्योंकि द्रास में रुक के फ़ायदा नहीं है क्योंकि कैंपिंग यहाँ करनी नहीं है, कैंपिंग मैं कर रहा हूँ करगिल में ही करने की सोच रहा हूँ। तो अब निकलते सीधा करगिल, यहाँ पे एसपी स्मार्ट स्कूल का बोर्ड भी लगा है भाई लेह में, क्या बात है। और जो भी जम्मू में एसपी स्मार्ट स्कूल है वहाँ भी लेह लद्दाख के लोग ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वहाँ के। तो हमारा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, ये ब्लॉग हमने स्टार्ट किया था सोनामर्ग टू द्रास, तो अच्छा खासा व्लॉग रहा, अच्छी खासी चीज़ें हमने नोट की। ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है और दूसरा व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे अब द्रास टू करगिल, बीच में कुछ और भी अच्छा दिखा इससे भी अच्छा वो भी दिखाएंगे। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन शेयर, इंस्टा पे फॉलो दबा के करो भाई, कमेंट दबा के करो कोई चीज़ कैसी है कैसी बताओ मुझे क्या देखना है। और मेरे चैनल पर अगर 100K पहुँच गए तो गाड़ी भी नहीं आएगी, बाइक भी नहीं आएगी, और भी तूफानी होगा। बाकी सदाम दामा को